हेलो गाइस, तो ये देखो, ये हमारे घर के पास एक दूध की डेयरी है। यहाँ पे बहुत सारी गायें हैं, पर गाइस देखो, जो गाय दूध दे रही है उसका तो ये अच्छे से ख्याल कर रहे हैं, उनको अच्छे से फीड दे रहे हैं, पर जो गाय दूध नहीं दे रही, देखो उनको इन्होंने कूड़े में छोड़ रखा है। ये कूड़ा खा रही है इधर, कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है इनका जो गाय दूध नहीं दे रही। ये देख के मुझे तो बहुत ही दुख लग रहा है, ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग। गाइस, लोग आजकल बहुत एनिमल लवर बनते हैं, डॉग लवर बनते हैं, कैट लवर, तो ये गाय भी तो एनिमल ही है, तो इनका ख्याल क्यों नहीं कोई रखता। बाकी के स्ट्रे एनिमल्स को तो लोग अपनी कॉलोनी या सोसाइटी में जगह दे देते हैं, पर ये जो गायें बेचारी, जो स्ट्रे गायें होती हैं, वो तो बाहर ही कूड़े में पड़ी रहती हैं, कूड़े में से खाना ढूंढ ढूंढ के खाती हैं। इनको कोई फूड भी नहीं डालता, कोई फीड नहीं करता इनको। मुझसे तो रहा नहीं गया गाइस, तो फिर मैं गई अपने घर, जो भी मेरे घर में अवेलेबल था, तो मैंने सोचा मैं इनके लिए लाऊंगी, पर बहुत रात थी, तो इतनी रात को गाइस मेरे पास आटा ही पड़ा था, फिर वो मैं लेके आई। ये आप देखोगे अभी कि मैं ये आटा लेके आई थी लिफाफे में, अंधेरा बहुत है, शायद आपको दिखे ना। ये देखो गाइस, मैं ये आटा लेके आई हूँ, और फिर वो ये आटा मैंने इस गाय को डाल दिया। देखो ये बड़े प्यार से खा रही थी इस आटे को, तो ये देख के मुझे खुशी हुई। तो गाइस मुझे लगता है कि बाकी एनिमल्स के साथ साथ हमें काउस को भी फीड करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमें खाने को इतना कुछ दिया है, दूध दही सब इन्हीं से आता है, दूध दही पनीर जो भी घर में बनता है। तो गाइस मैंने सोचा था मैं सुबह दोबारा आऊँगी, तो ये मेरे पास मटर और आलू थे, तो मेरे को लगा ये मैं इनको फीड करूँगी सुबह जाके, मैं दोबारा देखूँगी इनको उसी जगह पे। तो गाइस जो मैंने सामान पैक किया था वो मैंने अपने साथ रख लिया था गाड़ी में, और मैं चल पड़ी उसी डायरेक्शन में जहाँ पे पहले मैंने देखा था उन काउस को, कूड़े के पास। तो मैंने सोचा मैं वहीं पे उनको ढूंढूंगी, क्या वो दोबारा से मिलेंगी। तो गाइस मुझे वो वहीं पे मिली, बहुत सारी गायें थी, और कुछ तो बैठी थी और कुछ वहीं कूड़ा खा रही थी। इसे देख के तो मेरा फिर से मन भर गया, और फिर गाइस मुझे डर तो लग रहा था क्योंकि इनके सींग थे, पर मैं गई इनके पास और मैंने इनको डाला जो मेरे पास मटर और आलू थे। तो गाइस इन काउस ने ये खाया बड़े प्यार से, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, ये इन्होंने पूरा ख़त्म कर दिया था। गाइस मैं तो कहूँगी कि सब लोगों को इनकी हेल्प करनी चाहिए, इनको फीड करना चाहिए, जो भी हमारे घर में इवन सब्जियाँ भी वेस्ट होती हैं, इनको खाने को दे सकते हैं, ताकि ये कूड़ा वगैरह ना खाएं और अच्छी चीज़ खाएं।